क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट साइन थीटा टू द पावर 8 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 8 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों हमारे पास LHS ये है जिसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की पावर आप 8 देख पा रहे हैं, लेकिन जो RHS है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जो बच्चों पावर है वो 2 है। तो इसका मतलब इस पावर 8 को हमें रिड्यूस करना है और इसे 2 तक लेके आना है। तो इसके लिए बच्चों दो आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक तो एल्जेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चों हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आपको इसकी जानकारी है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं, तो इसे ऐसे लिख पाओगे आप साइन थीटा टू द पावर 4 होल पावर 2 कॉस थीटा टू द पावर 4 होल पावर 2। बच्चों हम पावर 8 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, साइन थीटा की पावर 4 बना लीजिए और होल पावर 2 इसी प्रकार से यहां। अब बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो इसे आप ऐसे लिख पाएंगे, यहां आपको ए और बी पहचानना पड़ेगा, साइन थीटा टू दी पावर 4 और कॉस थीटा टू दी पावर 4। साइन थीटा टू दी पावर 4 ए है जबकि कॉस थीटा टू दी पावर 4 बी है। तो इसे ऐसे लिख पाएंगे, इसके दो फैक्टर ऐसे लिख पाएंगे बच्चों। फिर इसके बाद हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं, लेकिन ये फॉर्म बनाने के बाद, तो इसे ऐसे लिख पाएंगे आप साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2। बच्चों इसमें भी हम चेंजिंग करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेकिन बाद में, अभी फिलहाल तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे ऐसे रहने, साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4। यहां बच्चों दोबारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा टू द पावर 4 कॉस थीटा टू दी पावर 4। अब बच्चों ये 1 बन जाएगा, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बच्चों ये फॉर्मूला हम यहां भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप RHS में फर्स्ट फैक्टर में देख पा रहे हैं साइन थीटा की टर्म नहीं बच्चों, सिर्फ कॉस की है, तो इसे हम साइन में चेंज करेंगे। तो लिख पाएंगे इसे ऐसे, सॉरी इस साइन को हम कॉस में लिख पाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप यहां से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों 1 हो गया। अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे, इसे बच्चों ऐसे लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2। समझ पा रहे हैं बच्चों, यहां पावर 4 को हमने तोड़ लिया पावर 2 में, और ऐसे इसे भी है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1 माइनस, बच्चों हम यहां ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ये नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की होल पावर 2 माइनस 2ab। जबकि बच्चों ए और बी पहचान पा रहे हैं आप, ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे कुछ ऐसे लिख पाएंगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बच्चों यहां, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया और इसे हमने ऐसे लिख लिया।
इज इक्वल टू आरएचएस। ये बच्चों आपको शो करना था, आरएचएस में यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। दस साइन थीटा टू द पावर 8 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड।